दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस जिनजियांग का एरिया 16,64,900 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के एरिए 3,42,240 स्क्वायर किलोमीटर से 5 गुना ज़्यादा है। बट इतने बड़े जिनजियांग की पॉपुलेशन सिर्फ 2,44,00,000 है, जो हमारे हरियाणा की आबादी जितनी है, जबकि हरियाणा जिनजियांग से 37 गुना छोटा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट्स वर्सेस चाइनीज प्रोविंसेस की। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल तो चाइना का एरिया 95,97,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ इंडिया से 3 गुना बड़ा है, जबकि चाइना की जीडीपी 14.14 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ इंडिया से 4 गुना बड़ी है। हालांकि दोनों ही देशों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वॉट अबाउट देयर स्टेट्स? दोस्तों, चाइना में 22 प्रोविंसेस एंड 5 ऑटोनोमस रीजन्स ग्वांगशी, इनर मंगोलिया, निंजिया, जिनजियांग एंड तिब्बत है, एंड 4 सेंट्रल म्यूनसिपालिटीज़ है। ये म्यूनसिपालिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जैसे हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज है, कुछ उसी तरह। इन 4 म्यूनसिपालिटीज़ में नेशनल कैपिटल बेइजिंग, चाइना की आर्थिक राजधानी शंघाई, उसकी सबसे छोटी म्यूनसिपालिटी तियानजिंग और सबसे बड़ी म्यूनसिपालिटी चोंगक्विंग का समावेश होता है। तो दोस्तों, 22 प्रोविंसेस एंड 5 ऑटोनोमस रीजन्स ऑफ चाइना वर्सेस 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर दोनों ही देशों के सिमिलर स्टेट्स की बात करें तो चाइना का गांसू प्रोविंस हमारे हरियाणा के बराबर है, क्योंकि गांसू एंड हरियाणा दोनों की पॉपुलेशन एंड जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही है। गांसू की पॉपुलेशन 2,62,00,000 है, जबकि हरियाणा की 2,53,00,000। उसी तरह गांसू की जीडीपी 126 बिलियन डॉलर्स है और जबकि हरियाणा की 130 बिलियन डॉलर। बट चाइना का गांसू प्रोविंस हमारे हरियाणा राज्य से एरिया वाइज करीबन 10 गुना बड़ा है। दोस्तों, दोनों ही देशों के टॉप स्टेट्स की बात करते हैं। एरिया वाइज तो हमने बताया कि जिनजियांग राजस्थान से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। बात करते हैं जीडीपी की। चाइना का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला रिचेस्ट प्रोविंस गुआंगडोंग है। गुआंगडोंग की जीडीपी करीबन 1.56 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो हमारे सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र की जीडीपी 450 बिलियन डॉलर से 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, जीडीपी के मामले में चाइनीज प्रोविंसेस हमारे इंडियन स्टेट्स की तुलना में कई आगे है, क्योंकि चाइना के टोटल 22 प्रोविंसेस में से 11 प्रोविंसेस की जीडीपी हमारे सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले स्टेट महाराष्ट्र की जीडीपी से ज़्यादा है। बल्कि चाइना के सिर्फ टॉप 3 स्टेट्स गुआंगडोंग, जियांगसू एंड शानडोंग की टोटल जीडीपी हमारे पूरे इंडिया की जीडीपी जितनी है। दोस्तों, पॉपुलेशन की बात करते हैं। चाइना का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला प्रोविंस गुआंगडोंग की आबादी भी चाइना में सबसे ज़्यादा है, करीबन 11,16,00,000। बट इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी गुआंगडोंग से 2 गुना यानी 22,00,00,000 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, चाइना की पॉपुलेशन एंड जीडीपी सिर्फ उसके पूर्व भाग पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। चाइना के कोस्टल प्रोविंसेस ही चाइना की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, क्योंकि अगर चाइना को जीडीपी वाइज 50-50 में डिवाइड करें तो चाइना के 22 में से 9 पूर्वी प्रोविंसेस ही 50% जीडीपी में योगदान करते हैं, जिनमें गुआंगडोंग, फुजियान, जेजियांग, जियांगसू, शानडोंग, अनहुई, जियांगसी, हुनान एंड हेनान की टोटल जीडीपी चाइना की 50% जीडीपी जितनी है। सिमिलरली, पॉपुलेशन में भी चाइना के पूर्वी भाग के 9 प्रोविंसेस में ही चाइना की 50% आबादी रहती है, जिनमें गुआंगडोंग, शानडोंग, जियांगसू, हेनान, जेजियांग, फुजियान, हुनान, अनहुई, हुबेई एंड जियांगसी आते हैं। इससे ये समझ आता है कि चाइना का वेस्टर्न भाग उसके ईस्टर्न भाग की तुलना में कम पॉपुलेटेड, कम विकसित एंड पुअर है। चाइना का सब कुछ उसके पूर्वी भाग तक ही सीमित है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना का वेस्टर्न भाग का ज़्यादा अनहैबिटेबल होना। चाइना के पश्चिम भाग में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स एंड सूखे डेजर्ट है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। बट अगर ऐसे ही जीडीपी एंड पॉपुलेशन में इंडिया को डिवाइड करें तो कुछ इस तरह होगा। जीडीपी में इंडिया का पश्चिम एंड दक्षिण भाग मिलकर 50% जीडीपी का योगदान करता है,
इन बाकी की 50% जीडीपी में नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल भाग योगदान करते हैं, जबकि पॉपुलेशन में उत्तरी और पूर्वी भाग, जबकि पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भारत मिलकर 50% पॉपुलेशन में योगदान करते हैं। तो इससे इंडिया में पॉपुलेशन एंड जीडीपी पूरे देश में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कम्पेयर टू चाइना। दोस्तों चलिए कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। सेक्स रेशियो। चाइना का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला प्रोविंस है तिब्बत। तिब्बत में प्रति 1000 पुरुषों में 961 महिलाएं हैं, कंपेयर टू इंडिया का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला स्टेट केरला, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। जबकि चाइना का सबसे कम सेक्स रेशियो वाला प्रोविंस जियांगसी है, जहां प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 700 महिलाएं ही है, कंपेयर टू इंडिया का सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट हरियाणा, जहां प्रति 1000 पुरुषों में 880 महिलाएं है। हालांकि चाइना का ओवरऑल सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों में 960 महिलाओं का है, लेकिन उसके प्रोविंसेस में ये काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। चाइना का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला प्रोविंस जिलिन है, जहाँ के 97% लोग पढ़ लिख सकते हैं, कंपेयर टू इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट केरला, जहाँ 94% लोग पढ़ लिख सकते हैं। चाइना का सबसे कम लिटरेसी रेट वाला प्रोविंस तिब्बत है, जहाँ सिर्फ 63% लोग ही पढ़ लिख सकते हैं, कंपेयर टू इंडियाज लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बिहार, जहाँ 64% लोग पढ़ लिख सकते हैं। बाय द वे चाइना का ओवरऑल लिटरेसी रेट 96% है, जो इंडिया के लिटरेसी रेट 74.04% की तुलना में ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। चाइना का सबसे ज़्यादा HDI वाला प्रोविंस जियांगसू है, जिसका HDI 0.802 है, जबकि इंडिया का सबसे ज़्यादा HDI वाला स्टेट केरला का HDI 0.836 है, जो जियांगसू से बहुत ज़्यादा है। जबकि चाइना का सबसे कम HDI वाला स्टेट भी तिब्बत है, जहां HDI 0.585 है, कंपेयर टू बिहार, इंडियाज लोवेस्ट HDI वाला स्टेट, बिहार का HDI 0.576 है। यहां क्लिक कर हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।